हेलो भाइयों, मैं भी सुखकर और आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो भाइयों, खेत में आ गए हैं और देखो जैसा कि हैरो जुड़ी है ट्रैक्टर के पीछे, तो आपको आज पूरा परफॉर्मेंस दिखाएंगे स्वराज 724 का, जो कि स्वराज 724 का इंजन मिलता है 626 मतलब 26 HP का, और इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे खेत में। इससे देखें जुताई करके कैसी मिट्टी बनती है हैरो से। और ये भाइयों खींचने वाली हैरो नहीं है, ये उठने वाली हैरो है। ये अलग सिस्टम की आती है, देखो एक तो आती है जो खींच के चलती है एडजस्टमेंट के साथ, और ये है बस ऊपर को उठने वाली, देखो। और पापा जी चला रहे हैं ट्रैक्टर, दिखाएंगे भाई पूरा। चलते हैं एक बार खेत में, इस लंबर में पाएंगे। वैसे तो छोटा सा ही लंबर है, थोड़ा सा ही कर रखा था खाली, देखो देखो भाइयों इसमें चलेगी एरो, और दिखाएंगे आपको पूरा परफॉर्मेंस ट्रैक्टर का। सो देखो तो भाइयों, ये स्वराज 724 और 2 सिलेंडर में मिलता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। देखो वैसे तो ये ज्यादा पावरफुल इंजन नहीं है, बट फिर भी दिखाएंगे आपको, क्योंकि हमने इससे पहले परफॉर्मेंस टेस्ट ISR 241 एक्सट्रैक्ट मॉडल की भी करी थी, वो था 2018 मॉडल, और ये है 1992 मॉडल, 1992। तो दिखाएंगे आपको इसका पूरा। और ये भाई एरो देख सकते हैं आप, ये वाली, ये आपने वैसे तो कहीं इतनी खास देखनी होगी, क्योंकि जो भी भाई वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर वो रहती है दूसरे वाली खींचने वाली एरो। और ये है देखो, ये पूरी लिफ्ट पे उठ जाती है, ये देख सकते हैं आप। तो भाई दिखाते हैं एक बार ट्रैक्टर के ऊपर चल गए, और ये वैसे हमारा ही ट्रैक्टर है, इसका मैंने पहले 2-4 वीडियो बना रखी है, इस पे इसका रिव्यू भी कर रखा है, देखो। और ये है हैरो, देखो ट्रैक्टर का सिस्टम। ये भाइयों मिलता है हाइलो सिस्टम के साथ, हाइलो गियर देखो, और यहाँ पे रिवर्स गियर 1, 2, 3 फॉरवर्ड के मिलते हैं गियर, 1 रिवर्स बस, और ये हाइलो, बीच में दोनों में न्यूट्रल का सिस्टम हो तो होता ही है। ये भाई क्लच वगैरह तो मैंने सब बता रखे हैं, आज इसका पूरा परफॉर्मेंस टेस्ट दिखाएंगे। और ये मिलता है सीधे साइलेंसर के साथ, देखो, तो ये छल्ले ही बना देगा, वैसे तो ये बना देता है। सो एक बार आवाज सुना देते हैं ट्रैक्टर की, सुनाते हैं, देखो एक बार ज्यादा ब्राइटनेस होगी। तो भाई देखो ये ऐसी एरो है, आप देख सकते हैं, और ये ऐसे उठ जाती है जैसे हम इसको लिफ्ट को उठाएंगे, देखो पूरी। ये आप देख सकते हैं, और एक बार दिखाते हैं। सो एक बार देखो, और एक बार देख सकते हैं आप, ये भाइयों ऐसे उठ जाती है, और जो रहती है दूसरी, ये उससे बारीक मिट्टी करती है थोड़ी सी, क्योंकि इनके जो ये तवे रहते हैं इसमें थोड़ा सा कम गैप रहे, थोड़ा थोड़ा उनमें ज्यादा गैप रहे, जो इनकी ये चिलम होती है, तो वो की इसको चिलम बोलते हैं भाई। और दिखाते हैं आपको इसको डाल के, और तो चलते हैं एक बार, और बने रहिए। तो भाइयों चलते हैं एक बार लेके, और डाल देता हूँ इसको आराम आराम से नीचे, देखो एकदम, क्योंकि भारी होती है ये, डल गई पूरी नीचे। और चलते हैं, ट्रैक्टर का फर्स्ट गियर लगा लेते हैं, लग गया, रेस दे लेता हूँ। इसको मोड़ देते हैं एक बार, क्योंकि इसमें सिस्टम होता है, ये मुड़ती नहीं होता, लेफ्ट लेफ्ट में तो वो भी नहीं मुड़ती जो वैसी होती है। इनको मोड़ का जीप दिखाऊंगे एक बार इसका सिस्टम, क्योंकि भाई मुझसे है मतलब थोड़ा कम ही चलाना है ट्रैक्टर, बट फिर भी दिखा देंगे आपको, और तो फिर पापा ही दिखाऊंगे पूरा। मैं तो थोड़ा सा वैसे टेस्ट कर रहा, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे चलाए, वैसे पापा ही दिखाएंगे चला के, तो
ये तो मैं थोड़ा सा वैसे दिखा रहा हूँ आपको। तो भाइयों वहाँ लगाते हैं रोबू और दिखाएंगे। इसके बिल्कुल ढोल के पास में ले जाके लग गई भाई, पूरा लीवर कर दिया है नीचे। और एक बार सेकंड गियर में ट्राई करके देखते हैं एक बार छठा पाएगा या नहीं। तो भाई दूसरे गियर में दब चुका है ट्रैक्टर जो मैंने दूसरे में लगाया था, दूसरे गियर में दब चुका है। फर्स्ट गियर में लगाते हैं एक बार, फर्स्ट में लगा दिया है पूरा। अब देखना आप, फर्स्ट में तो सही करेगा काम। क्लिप बना दो तो ये बात चलते हैं फ्रेंड्स लेके। यहाँ रोक दिए यहाँ। तो भाई अब साइड पर ये खोल लिए हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कम जगह है मुड़ने की और वहाँ इसलिए नहीं मुड़ा था ट्रैक्टर। अब साइड पर ये खोल लिए हैं, अब चलाएंगे देखो। अब बिल्कुल एक जगह पे घूम जाएगा ट्रैक्टर वो वहाँ का वहीं देखो। उस टाइम में मैं साइड पर एक खोलने भूल गया था। तो भाई वैसे घर वाले का ट्रैक्टर इतना खास चलता नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई जहाँ अभी मैं चलाना नहीं आता। तो यार है बात सही, काम भी गलत हो जाए इनके आगे। तो भाइयों ये एरिया है रो, और अब तो देखते हैं आपको पूरा आवाज़ सुना देते हैं। देखो बिल्कुल साउंड तो अच्छी है ट्रैक्टर की, सिस्टम बिल्कुल, और दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स देखो ये बार तेल डाल रहे हैं रो में, इससे तभी थोड़े अच्छे चलेंगे। देखो जो आपकी हरू थोड़ी हार्ड चले तो उसमें तेल डाल सकते हैं ये। देखो ऐसे जस्ट सिंपल। ये ब्लैक ऑयल है भाई, काला तेल। तो चलते हैं वहीं इधर लो। तो देखो भाइयों करते हैं एक बार, सो पापा ही चलाएंगे अब की बार तो। और यहाँ देखो यूट्यूब का लोगो देखो आप, नाम तो नेम तो नॉर्मल है बट लोगो कितना अच्छा बना है ट्रैक्टर पे। देखो विश्व का यूट्यूब, आगे चल के ट्रैक्टर पर भी थोड़ा काम करेंगे। जो ट्रैक्टर की वीडियो पर थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया तो ट्रैक्टर पर फोकस रहेगा हमारा, वो आगे देखेंगे कैसे क्या सिस्टम होगा। तो चलो अब तो भाई पापा ही चलाओगे। तो भैया ले गए चलते हैं वहीं, वो दिखाते हैं। ये बार मैं चलाने के लिए बोलता हूँ जाके।
तो भाइयों मुझे ज्यादा चलाने को दिया नहीं पापा ने, ये बोल रहे कि तू तो काम कम करेगा, तेल ज्यादा फूंकागा और तोड़ागा ज्यादा, क्योंकि मैं तो भाई बुलार पी एम पे चला रहा था और पापा चला रहे हैं बिल्कुल हिसाब से ट्रैक्टर, कि ट्रैक्टर पे भी ज्यादा लोड ना पड़े इंजन पे और इसमें तेल भी कम ना हो, मतलब तेल भी ज्यादा खर्च ना हो और एरो पे भी ज्यादा जोड़ना पड़े, क्योंकि जो तेल चलाते हैं ज्यादा तो फिर एरो में भी कुछ टूटने का डर रहता है। तो भाइयों क्योंकि एरो ज्यादा भारी नहीं होती, इसमें एरो में बैठ चुका हूँ मैं देखो, क्योंकि तवे ज्यादा नहीं कट रहे थे धरती में और अब बैठने के थोड़ा सा भारी हो गए और पूरे तवे जा रहे हैं जमीन में, देखो अब देखो कैसा बहान हुआ है और चलते हैं। तो भाइयों अभी तो थोड़ा सा मोबाइल की जिंदगी डर है यहाँ से, क्योंकि दोनों हाथ से पकड़ के रखनी पड़ती है छतरी ट्रैक्टर की। तो भाई मिलते हैं आगे क्लिप में और बातें हैं दिखाते हैं आपको, बने रहिए भाइयों, पूरा दिखाएंगे आपको परफॉर्मेंस और बताएंगे लास्ट में कि कैसी परफॉर्मेंस रही और कैसा मजा आया, बिल्कुल कैसा बहान हुआ। तो भाइयों बने रहिए, बहुत मजा आएगा। सो फ्रेंड्स थैंक्स, बने रहिए। तो भाइयों पूरा जुत गया है देखो बिल्कुल, और चलते हैं तो लगा दो। तो कौन से गियर में पापा जी ट्रैक्टर? दूसरे में लगा के देखो एक बार भाई, पहले में ही लगा रहे फिलहाल तो, दूसरे में लगाया नहीं, मैं पहले में ही देख ले चला के। तो भाई पहले में तो चल रहा है देखो। तो भाई ऐसे पापा जी क्या तो शर्मा में यूट्यूब के रिलेटेड थोड़ी शर्म आ बात करने में, पर फिर भी दूसरा गेयर तो लगवा के देख ही लेंगे, देखते हैं पर हमें भी चेक हो जाएगी लगे हाथ। तो पहला फर्स्ट फिर दूसरा,
सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फाइव गियर। हाँ आपकी बात, दूसरा गियर लगा दो, परफॉर्मेंस चेक हो जाएगी। हाँ दूसरा गियर लग गया, रुक जाओ रुक जाओ, इधर आ जाऊँ। दूसरा गियर है ना भैया, दूसरा गियर है। तो भाइयों सेकंड गियर में, तो सेकंड गियर में नहीं चल पाया ट्रैक्टर, लोड मान रहा है, पहले में है, अब पहले में। तो भाई फर्स्ट में ही करना पड़ा गियर में, दूसरे में तो चला नहीं। जब मैंने चलाया था, जब भी नहीं चला था, तब मैंने सोचा क्या पता मुझसे ना चले, और पापा जी वजह से चलाना रहे चलाते, बट दूसरे गियर में तो भाई चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि पापा जी ने भी चला के देख लिया और ज़्यादा लोड मानता है, क्योंकि ये भाई ज़्यादा बड़े इंजन नहीं होते इन ट्रैक्टर के, क्योंकि कुल 26 HP का ट्रैक्टर है उस हिसाब से, तो ये भी काफ़ी है इतना इसके लिए। और क्योंकि जो आईसर स्वराज 24 आईसर 241 इनकी मतलब 26-25 HP कैटेगरी के से हम इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कि ये ज़्यादा ही वो कर देंगे 55 HP के ट्रैक्टर का काम। तो भाई जैसा ट्रैक्टर जैसा इंजन वैसा काम, फर्स्ट में भी बहुत अच्छा चल रहा है। और वैसे तो हमें वैसे ही टेस्ट कर रहे थे, नहीं तो फर्स्ट में भी देखो कितना बढ़िया, कितनी बढ़िया मिट्टी कर रहा है, बिल्कुल उपजाऊ। देखो भाई कितनी बड़ी मिट्टी की निकाल रहा है ये भाई, शहरों का कमाल है। शहरों में ये जो उनसे मैं बताया था इसकी चिलम, और ये तो में गैप थोड़ा कम रहता है, खींचने वाली एरो से उसमें ज़्यादा रहता है, तो जब ये गैप कम हो जाता है तो ये मिट्टी बहुत बारीक बनाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे कितनी बारीक मिट्टी है। सो दिखाते हैं आने दो ट्रैक्टर को, और भाई ये थोड़ा लंबा क्योंकि इधर से तो ये कटी नहीं ज्वार, तो ये थोड़ी कटी थी, इसमें यहाँ पे बोने लग रहे हैं, और इसलिए ट्रैक्टर यहाँ पे मुड़ नहीं रहा। साइड पर ये खोल कर देखे थे, जब भी नहीं मुड़ा, पहले तो मैं सोचा मुझसे नहीं मुड़ा, फिर पापा जी पे भी नहीं मुड़ा, क्योंकि यहाँ पे छोटा है उसमें है, वैसे तो ट्रैक्टर मुड़ जाएगा, बट ये एरो क्योंकि ये वैसे ऐसे घूमती है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये एक साइड को नहीं घूमती, बट लेफ्ट साइड में घुमा सकते हैं हम, और उसमें भी ज़्यादा एरिया चाहिए थोड़ा सा, ये थोड़ा कम है साइड ब्रेक से, भी बात नहीं बन रही। तो भाइयों मिलते हैं क्लिप में आगे, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बांध किया है ट्रैक्टर ने। तो भाइयों मिलते हैं क्लिप में। तो भाइयों देखा जैसा कि आपने, पूरा खेत जुत गया है, और बिल्कुल अच्छा जुता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा देखो। और भाई ये हमारी एरो, इसकी आपने पूरी परफॉर्मेंस देखी होगी, और जो इसे चलाता है ट्रैक्टर उसकी तो परफॉर्मेंस आपने देख ही ली। फर्स्ट गियर में तो चला बिल्कुल आराम से, बट दूसरे गियर में आप पड़ता है बिल्कुल जोर ट्रैक्टर पे, क्योंकि भाई इतना बड़ा इंजन नहीं है, कितनी बार बताऊं, और ये सेल्फ है ट्रैक्टर का। तो भाई इंजन भाई तो बिल्कुल अच्छा काम किया है इसने, परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी रही। सो आपने देखा, और आपको मैंने तो, मुझे तो परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी लगी, बट आपको कैसी लगी वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और भाइयों वीडियो देखने में आपका धन्यवाद, और आप इस ट्रैक्टर पर और वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।